अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आसम और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। हेलो लिबे फ्रेंड, गेस वॉच, माय नाम है शेख आसम। उन्होंने हाप भैया आई नो इस्तेमा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडजेक्टिव नाक्तिम उनबेस्टिम आर्टिकल। जी हाँ, मुझे पता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज है इसका पार्ट टू। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल क्या है? ये है आइन, आइना और आइन। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये देखें दोस्तों, ये है अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का टेबल। नोमिनेटिव जो कि आइन, आइना और आइन है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने नोमिनेटिव के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब अनबेस्टिम्ड आर्टिकल एक्यूजेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके बाद जब एडजेक्टिव आता है तो फिर एडजेक्टिव में क्या चेंजिंग आती है। सबसे पहले हम देखते हैं मास्कुलिन को एक्यूजेटिव केस में। ये देखें एक्यूजेटिव केस मास्कुलिन। ये देखें मास्कुलिन जो कि एक्यूजेटिव केस में आइनन होता है, उसमें हम देखेंगे कुछ नाउंस आइनन टिश, आइनन स्टूल, आइनन कंप्यूटर। अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। इम वॉन्सिमा स्टेट आइनन शून टिश। आप देख सकते हैं कि अनबेस्टिम्ड आर्टिकल आइनन, उसके फौरन बाद एक एडजेक्टिव है जो कि शून है, लेकिन शून के साथ भी एक ए एन का इजाफा हुआ। अब देखें एक और सेंटेंस। इश हाबे आइनन बिक्वेमन स्टूल, के मेरे पास एक आरामदेह चेयर है। ये देखें अनबेस्टिम्ड आर्टिकल के बाद बिक्वेम के साथ भी एक ए एन का इजाफा हुआ और ये बन गया बिक्वेमन आइनन कंप्यूटर। इश ब्राउक है आइनन नोयन कंप्यूटर, नोयन एक एडजेक्टिव और इसके साथ भी एक ए एन का इजाफा हुआ एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल के बाद। दोस्तों ये थे मास्कुलिन एक्यूजेटिव केस में। अब देखेंगे हम फेमिनिन, वो भी एक्यूजेटिव केस में। अब देखेंगे कुछ नाउंस, वो क्या है आईने ब्लू में और आईने खत से। अब देखेंगे सेंटेंसेस। इस गेवे या आईने शून ब्लू में, मैं उसे एक ब्यूटीफुल फ्लावर देता हूँ। ये देखें आईने जो कि एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है और शून एक एडजेक्टिव है और शून के साथ भी एक ए का इजाफा हुआ और ये बन गया है शून। देखें एक खत से के साथ एक सेंटेंस। छाबे आईने क्लाइने खत से आल्स हाउस रिया, कि मेरे पास एक कैट है एज अ पेट। अब देखें नोट्रूम को एक्यूजेटिव केस में। नोट्रूम जो कि एक्यूजेटिव केस पे आइन ही रहता है। अब देखें कुछ नाउंस आइन क्लाइड और आइन के ट्रंक। सेंटेंस देखें जी कफ्ड आइन श्योरनेस क्लाइड, क्योंकि क्लाइड का आर्टिकल 10 होता है और आइन जो कि बेस्टिम्ड आर्टिकल है, शून एक एडजेक्टिव है और क्लाइड का आर्टिकल 10 होने की वजह से शून के साथ एक एस का इजाफा हुआ और ये बन गया शूनस। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें जी खाउ आइन शूनस क्लाइड, वो एक ब्यूटीफुल क्लाइड खरीदती है। नेक्स्ट देखें इश खौफे आइन खाल्टस के तरंग, गितरंग का आर्टिकल क्या 10, आइन क्या है एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, खाट एक एडजेक्टिव
और गेटरिंग का आर्टिकल 10 होने की वजह से कल के साथ एक एस का इजाफा हुआ। इस खौफे आइन खाल्टिस गेटरिंग मैं एक कोल्ड गेटरिंग परचेज करता हूँ। ये तो थी हमारी एडजेक्टिव्स के साथ चेंजिंग उन बेस्टिव्स आर्टिकल में अकोजाटिव केस में। अब देखेंगे हम डाटिव केस में एडजेक्टिव्स में चेंजिंग। डाटिव केस पे मस्त खुलने वाला आइन जो है ये आइन में कन्वर्ट हो जाता है और फेमिनिन वाला आइने जो है ये आइनर में कन्वर्ट हो जाता है और नोइट्रो वाला आइन जो है ये भी आइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार ये बताया है कि आपने इन टेबल्स को ध्यान से याद करना है। अब हम देखते हैं कि डाटिव केस में जब एडजेक्टिव उन बेस्टिव्स आर्टिकल के बाद आते हैं तो उनमें क्या चेंजिंग आती हैं? ये देखें, सबसे पहले मास्कुलिन में, मास्कुलिन डाटिव केस में जो कि आइनम होता है उसकी पहली एग्जांपल, जैसे कि आइनम शेनन पाल। आइनम जो कि एक उन बेस्टिव्स आर्टिकल है और शेन जो कि एडजेक्टिव है, बाल जिसका आर्टिकल दे होता है। अब देखिए आप एक सेंटेंस, इस पीले मित आइनम शेन बाल, मैं खेलता हूं एक खूबसूरत बाल के साथ। अब आप देखें एक एक फैमिली के साथ सेंटेंस, आइने नेटेड खात से जिसका आर्टिकल दी होता है। आइंदर जो कि एक अनबेस्टेंडर्स आर्टिकल है और नेट एक एडजेक्टिव है, लेकिन पीछे एक डार्टिव होने की वजह से नेट के साथ एक एन का इजाफा हुआ। अब देखिए एक सेंटेंस, इस पीले मित आइना नेटन कट से, मैं एक अच्छी कैट के साथ खेलता हूँ। देखिए ये छोटी छोटी चेंजिंग है, आपने इन चीजों को ध्यान से देखना है। अब देखिए एक सेंटेंस नोट्रम के साथ, आइनम इंटरसेंटन बुक, सेम चेंजिंग है दोस्तों। आइनम एक अनबेस्टेंडन आर्टिकल, इंटरसेंटन एक एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के साथ एक एन का इजाफा हुआ क्योंकि पीछे एक डार्टिव है। बुक का आर्टिकल क्या 10। एक सेंटेंस देखें, इस राइज इमा मित आई नम इंटरसेंटन बुक, मैं हमेशा ट्रेवल करता हूँ एक इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तो दोस्तों क्योंकि मास्कुलिन फेमिनिन और नोट्रूम के साथ एक जैसी चेंजिंग ही आती थी, यानी डार्टिव के बाद एडजेक्टिव के साथ ए एन का इजाफा ही होता था, इसलिए मैंने इनको एक ही पेज पे आपको लाके दिखा दिया। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर भी खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लगता है कि मैं इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल गया। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई हो। तब समझ आ गए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। अब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए मैंने अपनी बोलने की स्पीड तेज़ कर दी है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स करनी हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।